पॉन्टी और हरदीप चड्ढा मर्डर केस में गिरफ्तार सुखदेव सिंह नामधारी से दिल्ली पुलिस की पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस आज सुखदेव सिंह नामधारी को लेकर उत्तराखंड के उसके फार्म हाउस पर ले गई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में नामधारी का शानदार फार्म हाउस है। फार्म हाउस से पुलिस ने सुखदेव सिंह नामधारी की रिवॉल्वर जब्त की है। पुलिस अब इस बात की जांच करेगी कि क्या 17 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर में पॉन्टी के फार्म हाउस पर जो गोलियां चलाई गई थी वो क्या इसी रिवॉल्वर से चलाई गई थी। उधर नामधारी के परिवार वाले दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। जो भी कार्रवाई होगी हमारे वकील के रहते हुए होगी। इन्होंने हमारे किसी भी वकील को कोई इन्फॉर्म नहीं करा। सुखदेव सिंह को लेके आए और घर पे आ गए और हमारे साथ ये ऐसे जाती कर रहे हैं। कोई भी लीगली काम नहीं कर रहे हैं। जब कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया उसी हमें क्यों कर रहे हैं। ये अभी अभी लेके आए हैं और कल कोर्ट ने इनको आदेश दिया जो भी आप कार्रवाई करोगे जो हमारे वकील हैं वकीलों के रहते हुए करोगे आप कोई भी कार्रवाई और जितना वकील के अपनी मर्जी से मनमानी कर रहे हैं। सुखदेव सिंह नामधारी से दिल्ली पुलिस ने कल भी पूछताछ की थी। नामधारी 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नामधारी ने कबूल कर लिया है कि उसने 17 नवंबर को अपने बचाव में फायरिंग की थी। सुखदेव सिंह नामधारी घटना के दिन 17 नवंबर को पॉन्टी चड्ढा के साथ था। मर्डर केस में नाम आने के बाद नामधारी को उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था।